हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम शर्मा, मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ अनअकैडमी जो स्टूडियो है अपना एस्केप वेलोसिटी पर। आज का जो टॉपिक हमने रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के बहुत काम भी आने वाला है। आज हम डिसाइड करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटेजी, क्या फीडबैक स्टूडेंट से जो हमें मिलता रहता है इतने सालों से, कि क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की टॉपर्स ने या जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं या फिर क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, या फिर उनके टीचर्स जो मेंटर्स हैं उन सब से डिस्कशन करके अगर हम कुछ स्ट्रेटेजी बनाना चाहें कि कैसे जो पिछले साल से बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट चालू हुआ है 99% का, क्या मिस्ट्री है, कैसे हम स्कोर मैथमेटिक्स के हिसाब से उसके अंदर कर सकते हैं, ये है हमारे आज का टॉपिक। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे प्लस 99% का जेई मेन के अंदर। ठीक है, टॉपर्स और जो मेंटर्स टीचर्स होते हैं उन सब के इनपुट से या मेरे इनपुट से या जितने स्टूडेंट पढ़ाए हैं सबके हिसाब से हम इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ ओम शर्मा, मैं पिछले 12 सालों से कोटा में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ माई 13th ईयर। तो जो कोटा का मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्या उसके इनपुट्स होने चाहिए और किस तरीके से एक स्टूडेंट सक्सेसफुल बन सकता है इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, I graduated from IIT Bombay in 2007. Since then, I am in teaching field. So, and you can follow me at Unacademy at the rate Om Sir. Okay. You can also get me on this channel at two timings. One it is 11 to 12 for algebra and in the evening 8 to 9 for calculus. फटाफट सा थोड़ा मैं बता दूँ कि क्या ये बैकग्राउंड है, क्या ये प्लेटफॉर्म है Unacademy का चैनल। आप Unacademy की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे दो लाइव कोर्सेज भी यहाँ पर हैं, इसके दो डिफरेंट टाइमिंग है, तो मैं आपसे चार बार एक दिन में मिलता हूँ। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं इस ऐप के वही मैं आपको बता दूँ क्या हैं। अगर आप दो साल का चार्जेस लेते हैं तो आपको ये जो 40,000 है, इफ़ यू यूज़ माई कोड तो आपको ये मिल जाएगा 36,000 में, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट या ड्रॉपर हैं तो आपको दो साल का लेने की ज़रूरत नहीं, आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको ये जो अमाउंट है 25,000 रहेगा और आफ्टर डिस्काउंट दिस विल रिड्यूस टू 22,500। ठीक है, ये मैंने डिटेल बता दी, थोड़ा सा मेरे बारे में बता दिया, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा मैंने मेरे टाइमिंग्स बता दी हैं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो कैसे हम रूबरू हो सकते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे पर, क्या है वो टॉपिक्स, कैसे हम इसके बारे में आगे सीख सकते हैं, दैट्स इट। द टॉपिक इज मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी हमें डिसाइड करनी है 99% आना चाहिए जेई मेन के अंदर। इस बार चार दिन पेपर हुए थे, दो शिफ्ट में पेपर थे, एक जैन में था और एक बार अप्रैल में था। ठीक है, चार शिफ्ट में पेपर हुए, टोटल पेपर हुए थे 8 यहां पर और 8 पेपर्स यहां पर थे, टोटल कितने पेपर्स हो गए 16 पेपर्स बने थे। हर पेपर एक दूसरे से डिफिकल्टी लेवल्स पर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी था, लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग थी, परसेंटाइल का गेम था, उससे हम पता कर सकते हैं कि जिसने अच्छा किया उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, रिलेटिवली बाकी सबकी रैंकिंग होती चली गई थी। तो अब इसके अंदर क्योंकि तीनों सब्जेक्ट एक ही पेपर में होते हैं, उसमें से मैथमेटिक्स में कैसे हम करें, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक फेवरेट जोन होता है कि वो कहाँ पर खेलना पसंद करता है, कौन सा उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है और मैथमेटिक्स में आपको कॉन्फिडेंट है तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि जेई मेन के पेपर में ऐसा इंडिविजुअल मार्क्स तो लाने ज़रूरी होते नहीं है, आप चाहें तो एक ही साथ लेकर एक ही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा टाइम आप उसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स अगर आपका उस कम्फर्ट जोन में आता है या आप जहाँ पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स को उस जोन तक ले जा सकते हैं, तो उसके लिए आज का लेक्चर ये आप ही के लिए है। ठीक है, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि टोटल मार्क्स ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके पहले जेई मेन वाले क्या करते थे कि एक ऑफलाइन पेपर होता था और एक या दो ऑनलाइन पेपर होते थे, लेकिन ऑनलाइन पेपर्स का और ऑफलाइन पेपर में लेवल का डिफरेंस काफ़ी रहता था, सिलेबस का भी कई बार डिफरेंस रहता था। लेकिन पिछले साल जब इन्होंने ऑनलाइन किया है तो सारा पेपर ही ऑनलाइन जब हो गया है तो सिलेबस का इन्होंने ध्यान रखा है और लेवल्स जो पेपर्स के थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे। कभी कभी ये हुआ था कि किसी पेपर में मैथ्स टफ आ गया, वो नेचुरल सी बात है, किसी में फिजिक्स टफ आ गया, वो नेचुरल सी बात है, इसीलिए रिलेटिव ग्रेडिंग को यूज़ में लिया गया। तो अगर हम ये देखें कि जब ये 16 पेपर्स बनाने वाले हैं, पेपर एग्जामिनर्स के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को देखते हैं, 16 पेपर्स बनाए जाएंगे एनटीए द्वारा, तो जो लेवल्स होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसका कोड कहाँ से निकालें या फिर
इसका जो सीक्रेट है वो कैसे निकालेंगे, किस तरह के पेपर्स आएंगे, उसका सबसे पहला सीक्रेट होता है हमारे पास लास्ट ईयर्स के पेपर्स। क्योंकि जेई मेन वाले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ज़्यादा हाई फाई कुछ पूछते नहीं हैं। तो कौन से सब टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के जिसका हम आइडिया लगाना चाहें, जो कि हमारे स्कोरिंग हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा आइडिया हमें लगने वाला है लास्ट ईयर्स के पेपर्स से। लास्ट ईयर्स के पेपर्स जब हम जाएंगे तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये हमारे सारे सॉल्व हों विद टाइम हो। बहुत देर में किया तो फिर क्या किया, मार्क्स कैसे आएंगे, वरना फिर तो जल्दी करने होते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी जो जो चैप्टर्स तुम पढ़ने वाले हो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे दूसरी बात आती है तुम उनके सबके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ताकि हमें सबसे पहले जेई मेन टारगेट करते हुए चलना। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हर चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर तुम्हारे यहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स के जरूर बना लेने हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो थर्ड नंबर पर रखना चाहूँगा प्रायोरिटी में, वो ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो जब वो आंसर की देखता है या जो होमवर्क उसको मिलता है तो वो सॉल्व कैसे करता है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसने प्रैक्टिस कैसे करी। बहुत सारे स्टूडेंट जो जहाँ भी पढ़ रहे हों उनके होमवर्क करने का तरीका देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते हैं। सर ने जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर होमवर्क उनको दिया कि एक्सरसाइज वन के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, लेट्स से 1 to 10, करेक्ट, ये होमवर्क रहा। तो वो होमवर्क करना शुरू करता है, फर्स्ट क्वेश्चन करता है, सेकंड करता है, थर्ड करता है, सपोज करो थर्ड भूल नहीं हो रहा उसे, 4, 5, 6 पर आगे चलता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सिंसियर स्टूडेंट है, वो भी मिस्टेक क्या करते हैं, 4, 3 का आंसर गए पीछे है यहाँ पर आंसर की। जब वो आंसर की भी देखने जाते हैं तो थर्ड का ऑप्शन लिखा रहता है, 4th का उनको दिख जाता है और 5th का भी लिखा रहता है। तो थर्ड का देखा, 4th का दिख गया, तो अब क्या है कि 4th सॉल्व नहीं होता है, 4th को प्रूव किए करते हैं। यही कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं कि थर्ड क्वेश्चन तो कर लिया, आंसर दिख गया, मैच हुआ नहीं हुआ, 4th का आंसर दिख गया, 4th का आंसर अगर दिख गया तो फिर हम 4th क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम तो इस मेथड में घुस जाते हैं कि इसका आंसर में कैसे भी करके बी कैसे लेके आऊंगा। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी गलत हो गई, ये ऐसी आदत है जिसका पता भी नहीं चलता, ये ऐसी आदत है जिसका पता भी नहीं चलता है। तो अगर तुम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपनी एक्सरसाइज को, इसको चेंज कर दो। तरीका क्या है चेंज करने का, सीधी सी बात है, तुम 5-5 या 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट बना लो, जो तुम्हारा होमवर्क है, जो भी तुम्हारा टीचर, जहां भी तुम पढ़ते हो, सबसे पहले तुम्हारा जैसे ही ये होमवर्क कंप्लीट हुआ है आंसर की नहीं देखनी है, क्योंकि मेन यही होता है डाउट इसके बाद कि सर आप जो होमवर्क देते हैं वो तो हम सब कर लेते हैं लेकिन हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। ये जो फेमस प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन यही है कि जब होमवर्क दिया जाता है तब तुम उसको सॉल्व नहीं करते हो, तुम तो उसको प्रूव करते रहते हो कि कैसे ये आंसर लेके आना है, और जब एग्जाम में हम होते हैं तो हमें आंसर की दिखती नहीं है तो फिर हम उलझ जाते हैं कि कैसे किसको मार्क करना है। दिस इज अ ब्लंडर, ठीक है। तो होमवर्क हैज टू बी ऑन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम में आंसर की नहीं होती ऐसे हमें यहां भी यही मान के चलना, चाहे हमसे 10 में से 6 सवाल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बिना आंसर देखे जब तक हम चारों को देखेंगे तो हमें चारों ऑप्शन सेम से लगेंगे कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन जब हम आंसर की देख लेते हैं तो फिर हम बायस्ड हो जाते हैं, हम बाकी 3 देखते भी नहीं है, हमारा नजरिया बदल जाता है। तो समझ गए, ये कॉमन मिस्टेक जो करते हैं थर्ड वाली, ये सभी जगह एप्लीकेबल। लास्ट ईयर्स के पेपर्स करने जाओगे तो वहां भी ये स्ट्रेटेजी काम आने वाली है कि हमें कैसे भी करके होमवर्क रोकना है। किस तरीके से रोकना है, ये जो गलत तरीका है ऐसे रोकना, होमवर्क बंद नहीं करना है। ये जो करते हैं ना थर्ड का आंसर देख लिया फिर 4th की बात हम पहुंच गए, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड है, क्योंकि कुछ भी तुम प्रैक्टिस करोगे तो यहीं पहुंचने वाले हो। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स की बात, तो मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है वही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं जितनी प्रैक्टिस करेंगे। सब टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसकी बात मैं जरूर करूँगा, लेकिन ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, जहाँ भी तुम्हें होमवर्क मिल रहा है सिंसियरली अगर तुम करते हो बिना आंसर देखे तुम्हें करना चाहिए, आंसर की बना लो, मैच कर लो। फिर जो क्वेश्चन तुमसे एक साथ नहीं हुए हैं
उन क्वेश्चंस का फिर तुम सर से डिस्कस करो, जहाँ भी तुम पढ़ते हो उसके सॉल्यूशंस देखो बुक से पढ़ते हो, तो फिर उन्हें मार्क कर लो। तो अगर तुम तुम्हारे होमवर्क को रीडिज़ाइन करते हो इस तरीके से कि जो क्वेश्चन तुम्हें एक बार में सॉल्व नहीं हुए हैं, मार्क देम स्टार। सपोज करो, या फिर एक्चुअल बात भी है ये कि हर शीट में या हर चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन या 100 से ऊपर क्वेश्चन होते हैं, है ना, चलो 50 मान लेते हैं, 30 चैप्टर हैं, कितने हो गए, 30 × 50, जेई मेन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 1500। जब हम एग्जाम के लास्ट टाइम पे पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या इतना टाइम होगा कि हम 1500 के 1500 क्वेश्चन दोबारा कर पाए, नहीं कर पाएंगे। तो हमें लास्ट पॉइंट क्या करना है, एक और पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मार्क क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस मार्क कर लेना चाहिए, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है उसको, कि मुझे इस चैप्टर को, इस सब टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है, इस तरीके से मार्क कर दो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इसको कर रहा था तो ये मुझसे नहीं हो रहा था, ये करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके ये 50 क्वेश्चंस तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, कम से भी कम इसके 150 क्वेश्चंस हम करते हैं एक चैप्टर के, अगर हम ढंग की जगह पढ़ रहे हो तो, ढंग का मटेरियल तुम्हारे पास है तो, ये नंबर कितना बड़ा पहुंच जाएगा। और तीसरा एक और पॉइंट होता है कि जो हम खुद लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जो सर पढ़ाते हैं वो तो अच्छी कॉपी में लिखते हैं, लेकिन जो खुद का प्रैक्टिस वर्क होता है वो ऐसी रफ कॉपी में करते हैं, पीछे कर लिया या ओने कोने में लिख दिया, हमें सॉल्यूशन तक नहीं मिलते उन चैप्टर्स के, जिन चैप्टर्स को हमने जब पढ़ा था तब हमने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जब लास्ट टाइम आया रिवीजन का तो हमारे पास सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड नहीं है। ये नहीं कहता कि सॉल्यूशन तुम बहुत अच्छे से बनाओ, लेकिन जैसे भी बनाओ तुम्हें खुद समझ में आ जाए, वो किसी और के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए नहीं है तुम्हारे लिए। तो सिंपल सी एक रफ कॉपी बना लो, या कॉपी कैसी भी बना लो, रजिस्टर बना लो, जो तुम होमवर्क करते हो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करो। ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है कि सर के पास जाएगा और गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा स्कूल में जाके, वैसा कुछ नहीं होने वाला, बट वही है तुम्हारा होमवर्क कॉपी मेंटेन करो। अब तुम्हें इन सब बातों में ऐसी कोई सी भी बात जो है फंसने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्टार लगे हुए क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें वापस देखने हैं तो ये तुम्हें बचा लेगा, ये संजीवनी बूटी का काम करने वाला है। अगर तुम्हारे पास होमवर्क की कॉपी है तो तुम्हारे पास नाइसली रिटर्न है, क्योंकि जितना टाइम अभी हम एक चैप्टर को दे पा रहे हैं बाद में हम नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी है। तो अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है मैक्सिमम यूटिलाइज करो, आगे बढ़ते चलो। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, नॉट ओनली इन मैथ्स, सब जगह लगने वाली है, ये सारी स्ट्रेटेजी सब जगह लगने वाली है, नॉट ओनली इन मैथ्स। मैथ्स की बात तो मैं करूँगा कि कैसे हमें एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, होमवर्क किस तरीके से करना है, बिना चीटिंग के करना है, बिना आंसर किए देखना है, करना है, और अच्छे क्वेश्चन अगर तुम्हें मिलते हैं मार्क कर लो उसको, तुम्हें समझ में आनी चाहिए तुम्हारी कॉपी में तुमने क्या लिखा है। और जो होमवर्क मेंटेन करते हो, जो तुम प्रैक्टिस करते हो जिन क्वेश्चंस की, वो एक थोड़े ठीक ठाक सिस्टमेटिक तरीके से करो, ये नहीं कि पेन बदल बदल के, कई स्टूडेंट की आदत होती है क्वेश्चन लाल से, सॉल्यूशन नीले से, फिर काले से, टॉपिक स्टार, इतनी सजावट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा रजिस्टर बना लो, उसमें बस सिस्टमेटिक करते चले जाओ, और जिसमें तुम्हारे हिसाब से डिफ़िकल्टी फेस होती है स्टार मार्क कर लो। ये काम होने के बाद हमारे पास, जब हम एग्ज़ाम के पास पहुँचने वाले हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा लास्ट ईयर के पेपर्स, शॉर्ट नोट हमें रिवीजन कराएगा, और ये जो होमवर्क हमने किया है ये भी हमारी प्रैक्टिस के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है। गुड मार्क्स क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन कराएगा, और होमवर्क की कॉपी जो है ये हमें इन्हीं के सॉल्यूशन जब वहाँ दिखा देगा, क्योंकि जो काम हम पहले कर चुके हैं जब हम खुद का लिखा हुआ रिटर्न में देखते हैं तो हमें फिर वो फातों हाथ वो वाला दिन याद आ जाता है कि ये तो मैंने अपने, ये केमिस्ट्री चलती है लेकिन टाइम भी तो पैरेलल में चल रहा होता है, तो टाइम मैनेजमेंट यानी अब जो सीखा है उसको फास्ट करना है, तो फास्ट करने में ही ये सब तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं, समझ गए। तो बिना देखे होमवर्क किया करो, आज से रूल बना लो, तुम सोचो लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी। जो सिस्टमेटिक काम नहीं करते उनके पास होमवर्क की कॉपी नहीं होती, स्टार किए हुए क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और जो प्रूव करते हैं वो शीट सॉल्व नहीं करते, होमवर्क को प्रूव करते हैं, प्रूव नहीं करते, तो फिर जब सब चीज़ें चली जाएंगी तो फिर इसका एक सॉल्व बुक लेने से कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये सारी स्ट्रेटेजी जो भी तुम्हारे सीजनल टेस्ट होते हैं कहीं पर भी तुम पढ़ रहे हो उसमें अप्लाई किया करो, हर टेस्ट को ये मान के चला करो कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है, ये मेरा फाइनल एग्जाम है। सोचो जेई मेन वालों ने कितने प्यार से बेस्ट ऑफ टू की स्ट्रेटेजी लगाई, ये सारी स्ट्रेटेजी तुम्हें पॉइंट कर लेनी चाहिए। अब मैं आता हूँ मैथ्स पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो तुम्हें डिस्कस करना है वो बातें हैं थ्योरी ऑफ
जो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, रूट्स के सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये दोनों बातें, और लोकेशन ऑफ रूट, थोड़ा सा ये वाला पार्ट तुम देख सकते हो, लोकेशन ऑफ रूट वाला, और कोफिशेंट और रूट्स में क्या रिलेशन है। प्रोग्रेशन में नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, मीन्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के, और एपी जीपी एचपी वाले जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम देख सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम में इस साल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, कॉफिशेंट की सीरीज वाले क्वेश्चन, या इन दोनों को मिक्स करके पूछा हुआ था, जो कॉफिशेंट होते हैं NC0 NCR उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं पूछते हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेई मेन के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो भी मैं डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं, तो कॉफिशेंट के बेसिक वाले क्वेश्चन और जनरल टर्म कौन सी टर्म आएगी कहां पर पहुंचेगी वो वाले क्वेश्चन इसके अंदर हमें देख रहे हैं। पीएनसी में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, बॉयज गर्ल्स हैं, ऑल्टरनेटिव ऑर्डर है, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछते हैं। सर्कुलर परमुटेशन भी ये थोड़ा पूछ लेते हैं, उस वाले पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है। और एक और डी अरेंजमेंट पूछते हैं, क्या पूछते हैं, डी अरेंजमेंट इसके अंदर ज़रूर वो पूछते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा वो वेराइटी रखते हैं, कई बार कॉन्जुगेट और जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर वो क्वेश्चन बना के पूछते हैं, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं। और दूसरा इनका फेवरेट क्वेश्चन है वो ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ के एक तो वो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछते हैं, पी ए यूनियन बी वाले, इस तरह के पूछ सकते हैं। और दूसरे जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है इसमें वो उस पर नहीं जाते कि बेस थ्योरम पूछने लग जाए, चार मार्क का क्वेश्चन है वो नहीं पूछने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यूनियन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो पूछेंगे, और स्टैंडर्ड जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेंट में क्रेमर रूल पूछेंगे, और जिसमें पूछते हैं वो प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की होती हैं वो बेसिक बातें कि ओमेगा या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, वैल्यूज पूछ रहे हैं, इक्वेट करवा रहे हैं, लेकिन एक क्रेमर रूल वाला सवाल वो पूछते हैं, काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो क्रेमर रूल वाली बात पढ़ लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में भी सेम चीज़ है, क्रेमर रूल वाली बात, यहाँ वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ और इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ को पूछ सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन ए बी और बी ए सारी बातें वो पूछते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन भी पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स में एक रिलेशन दे दिया ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस बी वाली बात, वो वाली बात पूछते हैं। वेक्टर 3D इस साल उनका फेवरेट रहा है, एक एक पेपर में उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन इनके पूछे हुए हैं। प्लेन और लाइन की कंबाइंड इक्वेशन उस पर पूछा हुआ है, प्लेन की इक्वेशंस पर खेले हुए हैं। वेक्टर में उन्होंने फिर भी ज़्यादा सवाल पूछे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली 3D वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा हुआ है, 3D वाला पार्ट ज़्यादा पूछा हुआ है कि कैसे ही वो प्लेन है, लाइन है, उनके रिलेशंस किस तरीके से, इमेज की बात कर लेंगे, फुट ऑफ अपेंडिकुलर की बात कर देंगे। वेक्टर में अगर मैं बात करूं तो वेक्टर में डॉट और क्रॉस थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर और स्केलर, इस वेक्टर वाला तो नहीं पूछते, स्केलर वाला पूछते हैं जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें वेक्टर 3D का। जब भी ये चैप्टर क्लास में तुम्हें पढ़ा जाए फोकस होकर जरूर पढ़ना। ये बात हुई अपनी अलजेब्रा की, नेक्स्ट पढ़ता हूँ ट्रिगो। ट्रिगो की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर लेना, वरना कोई टेंशन नहीं है, इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिक्स चैप्टर हैं, ये दोनों तुम्हें ज़रूर करने हैं, 100% करने। क्यों? क्योंकि बिना मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। ITF करेक्ट, ITF छोड़ सकते हो, नो इतना इश्यूज है नहीं, बेसिक पढ़ लो इसका, बस इसका बेसिक पढ़ लो, जितना होता उतना इसका बेसिक पढ़ लो, लेकिन ये दोनों पढ़ने तुम्हें फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, अभी से याद करना शुरू कर दो। यहाँ अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में थोड़ा वो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव पूछते हैं यहाँ पर, और ऑन टू इन टू की बात कर सकते हैं, ऑन टू इन टू फंक्शंस की बात करेंगे। फॉग ऑफ इतना हैवी टॉपिक वो टच करते नहीं है जनरली जेई मेन वाले। लिमिट्स में स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं 0/0 वाली बात वो पूछते हैं। सैंडविच भी पूछा हुआ है जेई मेन वालों ने लास्ट ईयर्स के पेपर्स में, देखोगे सैंडविच थ्योरम भी तुम्हें मिल जाएगी। और तो 7 फॉर्म्स और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसको तुम फोकस कर सकते हो। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर वो स्टैंडर्ड सवाल पूछते हैं कि अबाउट अ पॉइंट ज़्यादा पूछते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करो। इसमें एक टॉपिक है जो आता है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, थोड़ा इसको पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन में यही उनका फेवरेट है, डिफरेंशिएशन में तो वो अच्छी खासी बातें पूछते हैं। चेन रूल पूछ लिया, या मैंने यहाँ जो पूछा था कि डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, पैरामेट्रिक वालों का डेरिवेटिव भी पूछ लेते हैं,
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एओडी, एओडी तो फेवरेट है, तीन चैप्टर है यहाँ पर अपने, टेंजेंट नॉर्मल और रेट ऑफ चेंज यहाँ पर बात पूछी जा सकती है। अगला जो टॉपिक मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी तो हिडन है बेसिकली, अगर कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन वो पूछते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड पूछ सकते हैं कि एक कौन है या सिलेंडर है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनका एक एक्सप्रेशन गिवन होता है और फिर पूछते हैं कि इससे कितना एक्सट्रीमा पॉसिबल है, साइन चेंज के ऊपर वो पावर्स वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत कॉमन है जो ज़्यादातर ये पूछते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उसको देख सकते हो, और ज्योमेट्री एप्लीकेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, इनडेफिनेट के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन वो सब्स्टिट्यूशन वाले पूछ लेते हैं या थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें कॉमन लेके स्पेशली ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ कुछ है और यहाँ से हमने पावर कुछ कॉमन लेके निकाला, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फिर टी सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो वाले हम इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी देखा जा सकता है। डेफिनेट के अंदर प्रॉपर्टीज देखनी है हमें, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल एडवांस का टॉपिक है, यहाँ नहीं पूछते हैं, बेसिक कभी कभी पूछा हुआ लास्ट ईयर के पेपर से उसको हम देख लेंगे। लेकिन एक और टॉपिक है इसके अंदर कि जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, उस वाले टॉपिक का हमें ध्यान रखना है। तो जब कभी ये टॉपिक आए तो इस वाले वीडियो को वापस देखने लग जाना कि सर ने कौन कौन सी बातें बोली है, मैं लिख नहीं रहा लेकिन बोल जरूर रहा हूँ। एरिया, यस दे विल आस्क फॉर एरिया, सिंपल एरिया पूछते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट पूछते हैं और वाई एक्सिस के अबाउट भी पूछते हैं, दोनों एक्सिस के अबाउट एरिया कैलकुलेट करना सीख लेना, कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनको वो एरिया बना के पूछेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। डिफरेंशियल इक्वेशन का फेवरेट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन जो होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर डिग्री उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन है, LDE इसके अंदर पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है वो, जे एडवांस वाले भी पूछते हैं, मेंस वाले भी पूछते हैं। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन का एस सच कुछ क्वेश्चन रहता है ही नहीं, फिर भी इसके साथ का सर्कल के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर, सर्कल के अंदर तो वो प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं, रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो बेसिक सर्कल का जो क्वेश्चन होता है कि तीन पैरामीटर दे रखे हैं और सर्कल निकाल के बताइए, वो वाला डेटा भी पूछ सकते हैं। पैराबोला और इन तीनों जो कॉनिक है हमारे, इनके तो बेसिक प्रॉपर्टीज याद करके चले जाना, बेसिक प्रॉपर्टीज जो इनकी है, या फोकस डायरेक्ट्रिक्स इनके जो डायग्राम है बेसिक पूछते हैं, दिस इजी, इजी टू स्कोर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इजी टू स्कोर। बोर्ड का टॉपिक है हटा दो, ये पूरे मैथ्स के चैप्टर में लिख रखे हैं, ये बोर्ड का टॉपिक है हटा दो इसको, ये नहीं पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस समहाउ कहीं ना कहीं ट्रिगो के अंदर काउंट हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो सब बातें। ये चैप्टर इसका प्लस फोर आएगा, ये प्लस फोर आएगा, इसका भी प्लस फोर आएगा, इसके ऊपर कभी आता है कभी नहीं आता है क्योंकि ट्रिगो के साथ मिक्स हो जाता है, ये अकेले 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। इन दोनों के ऊपर तो मैं अभी क्लास ले भी रहा हूँ प्लस कोर्स के अंदर, ये मेरे इस पे यूट्यूब पर चैनल पर तुम्हें इसके वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं, यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन है, कम से कम यहाँ हमें 12 मार्क्स स्कोर करने चाहिए, कम से कम यहाँ से 12, जो अगर मैथ्स का थोड़ा भी लीस्ट एफर्ट से मार्क्स लाना चाहता है उसके लिए यही वाली बात है। तो ये हुआ चैप्टर्स का ओवरव्यू जो मैंने बात की है, और मेन चीज़ अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जो बताने वाला था वो यही थी, ये चार बातों का तुम ध्यान रखो, पांच है, अगर तुमने ये मेंटेन कर लिया तो फिर तुम कोई नहीं रोक सकता मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से, और ये करने से तुम्हारा अपने आप मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता भी चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप ज़रूर इसको कमेंट में करिए, थैंक यू।